दीपक वर्मा, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूँ। हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कराया था, आज फिर से मैं एक और न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है और अपनी अपनी सभी लोग बुक निकाल लीजिएगा और उसमें जो अनसॉल्व प्रश्नावली दी हुई है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ में। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो कुछ ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ को पढ़ना सिखाइए कि ग्राफ को कैसे हम देखते हैं, प्रतिबल विकृति जो आरेख बनता है उस पर किस तरह से हम ग्राफ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है कुछ इम्पोर्टेंट भी है और हमें यहाँ से ग्राफ देखना भी आएगा। तो आज का न्यूमेरिकल नंबर 2 अपनी बुक निकालिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 में बोल रहा है कि चित्र में दिए गए पदार्थ के प्रतिबल विकृति को दर्शाया गया है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर एक प्रतिबल विकृति आरेख दिखाया गया है। ये लीजिए, ये प्रतिबल और ये विकृति। मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे हमेशा विकृति बनती है, प्रतिबल वाई अक्ष पे बनता है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अच्छा, प्रतिबल की यूनिट क्या होती है? हल्की है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपसे पूछा है। अगर आप
मजेदार ये चीज आ गई, उसने तो आपको हिंट कर दिया, एनसीईआरटी में कभी हिंट नहीं करता कि ये ए और बी पॉइंट दिखा रखा है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अच्छी तरीके से कि लीन ग्राफ आप देखिए, प्रतिबल विकृति आरेख देखिए, तो प्रतिबल विकृति आरेख में जब आप जो बल लगाते हैं वो इलास्टिक लिमिट आती है ना, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा, उसके बाद प्रत्यास्थता की सीमा खत्म होती चली जाती है, फिर यील्डिंग आता है, यील्डिंग के बाद अल्टीमेट पॉइंट आता है, परावर्तन पॉइंट आता है, फिर भंजन हो जाता है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है कि यही प्रत्यास्थता गुणांक को कहाँ तक देखते हैं, केबल और केबल प्रत्यास्थता की सीमा तक ही देखते हैं। अब प्रत्यास्थता की सीमा केवल ए तक ही दिखाई दे रही है। देखो ये डायग्राम कुछ हमने इस तरह से बनाया, बुक में देखेंगे तो ग्राफ पेपर और फ्री हैंड में बहुत अंतर होता है बच्चों, समझने की कोशिश करना, सॉरी बोलूँगा। इन्होंने फ्री हैंड बनाया, बुक में जो दिया हुआ है एज इट इज ग्राफ पे है, आप भी ग्राफ पे लेके बनाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा वो लाइन हल्की सी टेढ़ी हो रही है, मतलब ए के बाद लाइन टेढ़ी हो रही है। तो ए तक जो है ये प्रत्यास्थता सीमा तक हम प्रतिबल देखिए कितनी है, प्रत्यास्थता सीमा तक प्रतिबल दिखाई दे रही है यहाँ से 150, ठीक है, यानी अब जब तक ग्राफ पेपर की 0.002 और 150 नहीं, 150 × 10⁶ क्योंकि 10 मेगा में दे रहा है ना, तो ये अंदर बनाएगा क्या समझे, 150 × 10⁶ अपॉन अनुलंब विकृति, इसकी करस्पॉन्डिंग जो विकृति है 0.002, आपको इसी को सॉल्व करना है, 150 × 10⁶ 0.002, यानी कि यहाँ से आएगा ये तीन बिंदी ऊपर जाएंगी, ये आएगा 75 × 10⁹ और आंसर आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी में आंसर चेक करते हैं ना हम लोग, है ना, हो सकता है ये ऐसे दे दे 7.5 × 10⁻¹, आपको भी सर आपका गलत ना रहा है, ऐसा नहीं है, वो तो पॉइंट का लिखने का तरीका है, ठीक है। तो 7.5 × 10⁻¹ शार्प के आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, मात्रक और मापन में हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11, तो उसमें पढ़ते हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक। तो सार्थक अंक मैंने तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपका आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये 7.5 × 10⁻¹ को दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट पूछा है सन्निकट परावर्तक क्या है, तो सन्निकट यानी कि लगभग अल्टीमेट पॉइंट किया जा रहा है, बी पॉइंट या मैंने तुम्हें बताया कि ग्राफ तुम बनाते हो इस तरह से बनाते हो, ये उसके अंदर इस तरह से टिल्ट आता है, फिर इसके अंदर से जाता है, फिर यहाँ पे भी आता है, तो वो ग्राफ ये ही है। तो जो परावर्तक पॉइंट दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 300, क्योंकि इसके बाद तो फ्रैक्चर में भी आगे चल रही है ना। तो यहाँ पर परावर्तक बिंदु कितना है आपका, या परावर्तक बिंदु पॉइंट कितना निकल गया है, ये निकल गया है 300 × 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। इसकी करस्पॉन्डिंग विकृति भी पूछता है, तो आप विकृति भी बता सकते हैं कि 0.003 और 0.004 के बीच में ही लाई करेगा। अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ग्राफ पे बनाएंगे तो आप विकृति भी निकाल देंगे, एक्यूरेट कितनी आ रही है, आपको स्केल मानना पड़ेगा कि मतलब जो आपका इसका एक छोटा सा स्केल है, एक लाइन है, वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल मानने हैं। तो ये था न्यूमेरिकल, और अब हम एक दो दिन और लेंगे इनके न्यूमेरिकल को करने का, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएंगे जो कि है फ्लूइड का, यानी कि हम पढ़ेंगे द्रवों को, ठीक है। तो और मैं फिर से कह रहा हूँ इससे न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी में और भी हैं। अब आप मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे ये न्यूमेरिकल करा दीजिए, तो थोड़ा मुझे आसानी हो जाए, मुझे नहीं पता चल पा रहा कि कौन बच्चा कितना न्यूमेरिकल कर रहा है या कौन बच्चा नहीं कर पा रहा है, जिसको नहीं आ पा रहा तो मुझे कमेंट तो कर सकते हो, जब इतना टेक्नोलॉजी सीख गए हो, टाइप करना आता है तो फिर सब कुछ कर सकते हो। आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आ रहा, या क्वेश्चन नंबर 4 लगाना है या नहीं लगाना, क्योंकि सिलेबस से मैंने जितना कराया है पूरा कवर करा दिया है, ठीक है। एक मॉड्यूलस ऑफ रेंजिटी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, किसी न्यूमेरिकल में कंसेप्ट मिलेगा तो वैसे वहीं का वहीं समझा दूँगा आपको। तो यही था न्यूमेरिकल, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।